भारत की ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले काले बिल्मों के खिलाफ सख्त बयान पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का लीडर करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब में कहा कि शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा फिसादी हैं, लीडर नहीं, क्योंकि लीडर वो होते हैं जो लोगों को दुरुस्त सिम्त पर चलाते हैं, लीडर वो नहीं होते जो लोगों को नामुनासिब सिम्त दिखाते हैं। लीडर्स आर दोज हु लीड पीपल इन द राइट डायरेक्शन, लीडर्स आर नॉट दोज हु लीड पीपल इन इनअप्रोप्रिएट डायरेक्शंस, एज वी आर विटनेसिंग in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice. ऑपोजिशन ने हिंदुत्व और आरएसएस सोच पर भारतीय आर्मी चीफ को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें बीजेपी का लीडर करार दे दिया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि बिपिन रावत ने सियासी बयान देकर आईनी हुदूद से तजावुज किया है और अगर आर्मी चीफ को आज सियासी मामलों में बोलने की इजाजत दी गई तो कल उन्हें हुकूमत का तख्ता उलटने का जवाब भी मिल जाएगा। What we have decided when we got independence. That is the difference between India as a functional democracy and other South Asian democracies. What the Chief of Army has said, he has undermined the Modi government. नहीं, मैं श्री विपिन रावत जी के वक्तव्य से असहमत हूँ। सेना प्रमुख होने के नाते उन्हें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से दूरी बनाए रखनी चाहिए।